हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सतीश, आपको स्वागत है क्रिकेट विद शत्रुघ्न चौबे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं INB वर्सेस PLO के बीच में होने वाला 12th T10 मैच के बारे में। तो दोस्तों, ये जो मैच है 12:30 बजे दोपहर को खेला जाएंगे और ये मैच अभी स्टार्ट होने में लगभग अभी भी 2.5 घंटा बचे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कौन सा विकेट कीपर यहाँ पर बेहतर होगा, इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर किस बैट्समैन को लेना चाहिए और यहाँ पर कितने रन बनाए, ऑलराउंडर में दोस्तों यहाँ पर कितने विकेट्स हैं और कितने रन हैं, गेंदबाजी में दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा विकेट्स कौन लिए, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात देख लीजिए, इंडिगो बल्जेरियन की बात करें, इस सीज़न में 5 मैच खेले, 5ों मैच बारिश की वजह से कैंसिल हुआ, तो एक भी मैच अभी तक नहीं खेले दोस्तों। वही प्लो टीम की बात करें, 6 में से 2 मैच जीते और 4 मैच कैंसिल हुआ। तो यहाँ पर प्लो की बात करें, 2 मैच खेले, 2 मैच जीते और 4 मैच कैंसिल हुआ, और इंडिगो बल्जेरियन अभी तक एक भी मैच नहीं खेले दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। यहाँ सब्सक्राइब करते आपको बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके साथ साथ वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और कॉमेंट करना, क्योंकि आपके एक लाइक और कॉमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। उसके बाद टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ दोस्तों, जाकर टेलीग्राम का लिंक पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करते आपको मेरे चैनल ओपन हो जाएगा टेलीग्राम का। अगर बाय मिस्टेक ओपन नहीं होता उसका क्या प्रोसेस है आपको मैं बता देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल पे आपको जाना है दोस्तों, जाके सर्च कीजिएगा @shatrughn225, इस प्रकार सर्च करते हैं दोस्तों आपको मेरे चैनल हो जाएगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। 1220 यूजर्स मेरे चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं। एक और प्रोसेस है, क्रिकेट विद SCB जाके सर्च करेंगे तो मेरे चैनल हो जाएगा। तो जल्दी से फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब लेट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर विकेट कीपर को पिक करेंगे यहाँ पर। तो पहले हम लोग पिक करेंगे INBA का प्लेयर्स का। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर 2 विकेट कीपर हैं। पहला जो प्लेयर है दोस्तों यहाँ पर शौकत खान है, क्योंकि इंडो बल्जेरियन अभी तक 5ों मैच कैंसिल हुआ। फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, शौकत खान की बात करें 14 मैच में 90 रन बनाए, और एड्रियन डनबर की बात करें 5 मैच में 125 रन है। और वही दोस्तों यहाँ पर BSCU MVP प्लोडिव की बात करें, पहला जो प्लेयर है दोस्तों यहाँ पर सैम हुसैन है, लास्ट 2 मैच में 36 रन 37 रन बनाए। और रोहन मखधूमी की बात करें, 1 मैच में 23 रन, 1 मैच में प्लेइंग 11 में रहे लेकिन नहीं खेला। तो दोस्तों यहाँ पर अब अगर कंफर्म करने की बात है तो यहाँ पर अब सैम हुसैन पे चला जाएगा, ये प्लेयर आपको बेहतर होगा। तो यहाँ पर एक विकेट कीपर को हम लोग ले लिए। अब बैट्समैन को पिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर बैट्समैन के लिए आपको यहाँ पर चेक कर लीजिएगा प्लोडिव टीम का। तो यहाँ पर जो पहला प्लेयर है दोस्तों मोहम्मद सुफियान है, अगर इनकी बात करें 2 मैच में यहाँ पर 27 रन 9 रन बनाए। और जैन अबिदी की बात करें, 2 मैच में यहाँ पर प्लेइंग 11 में थे लेकिन इनको बैटिंग बॉलिंग कुछ मौका नहीं मिला। मोहम्मद अरसलन खान की बात करें, 74 मैच में 281 रन और 4 विकेट है, तो खास स्टार्ट्स नहीं है दोस्तों, इस प्लेयर को अवॉइड कीजिएगा। अहमद नवीद की बात करें, सेम इनका भी वही हाल है दोस्तों, प्लेइंग 11 में है लेकिन यहाँ पर इनको अभी तक मौका नहीं मिला, और यहाँ पर 7 मैच में 34 रन और 6 विकेट ले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर कन्फर्म करने की बात है तो यहाँ पर किसी भी प्लेयर की खास स्टार्ट मुझे नहीं लग रहा, तो लेकिन यहाँ पर एक प्लेयर को आप कन्फर्म कर सकते हो, मोहम्मद सुफियान को। तो पहले एक प्लेयर को हम लोग पिक कर लेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो मोहम्मद सुफियान को पहले हम लोग कन्फर्म करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर INB प्लेयर्स को देखते हैं यहाँ पर। तो पहला जो प्लेयर है प्रकाश मिश्रा है दोस्तों, यहाँ पर 14 मैच में 53 रन और 7 विकेट लिए। और क्रिस लोगो की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, 17 मैच में 488 रन और यहाँ पर 13 विकेट लिए दोस्तों। और यहाँ पर बख्तियार ताहिरी की बात करें, 11 मैच में 317 रन 8 विकेट है। रोहित धीमान की बात करें, 17 मैच में 127 रन प्लस 14 विकेट है दोस्तों यहाँ पर। गौरव चोपड़ा ने 4 मैच में 56 रन 2 विकेट लिए। और हेनरी हैमिल्टन की बात करें, स्टार्ट्स इनका नॉट अवेलेबल है। तो दोस्तों यहाँ पर किस प्लेयर को कंफर्म करना चाहिए आपको ये डाउट आ सकता है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं प्रेफर करूँगा आपके लिए, तो यहाँ पर क्रिस लोकोव है दोस्तों, यहाँ पर इनको जरूर कन्फर्म कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों देखा जाए तो रन्स के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर आपको भकातिया ताहिरी आपको बेस्ट ऑप्शन है। अगर गेंदबाजी के लिए बात करेंगे तो रोहित धीमान आपको बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। तो दोस्तों मैं क्रिस लोको और यहाँ पर ताहिरी को मैं कंफर्म करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ताहिरी को मैं कंफर्म करने जा रहा हूँ, तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर 3 बैट्समैन के साथ जा रहा हूँ मैं यहाँ पर। और चाहे तो प्रकाश मिश्रा है, 14 मैच में 7 विकेट है, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो 14 मैच में 7 विकेट है, लेकिन यहाँ पर मैं 3 बैट्समैन मेरे लिए काफ़ी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑलराउंडर्स की बात करें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर आपको मैं बताऊँगा कौन सा ऑलराउंडर इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो प्लेयर है दोस्तों निक जोन्स विकबर्ग है, अगर इनकी बात करें 10 मैच में लास्ट 10 मैच में 205 रन और 6 विकेट है। क्रिस वेबस्टर की बात करें, 7 मैच में 84 रन 3 विकेट है। सूरज नेगी 8 मैच में 37 रन 8 विकेट है। मनदीप कुमार की बात करें, स्टार्ट्स नॉट अवेलेबल है। संचित सैनी की बात करें, 113 मैच में
59 रन आज 124 विकेट है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं दो ऑलराउंडर आपके लिए मैं बताऊंगा, यहाँ पर दो से तीन बताऊंगा। तो पहला जो प्लेयर है दोस्तों यहाँ पर संचित सैनी है, क्रिस वेबस्टर एक्सपीरियंस प्लेयर है दोस्तों आप लीजिएगा यहाँ पर, उसके बाद निक जोन्स विकबर्ग, यहाँ पर इन तीनों को आप कन्फर्म कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पर क्रिस वेबस्टर को कन्फर्म करते हैं दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद देखा जाए तो दोस्तों एक संचित सैनी है दोस्तों यहाँ पर, उनको आप ले सकते हैं यहाँ पर। तो पहले दो ऑलराउंडर को कन्फर्म कर लें, निक जोन्स विकबर्ग को पहले यहाँ पर हम लोग INB टीम का स्टैट्स है, सॉरी INB का तो देख चुका है, यहाँ पर PLBO टीम की स्टैट्स देख के हम लोग कन्फर्म करेंगे। तो जो थर्ड प्लेयर है, लास्ट फर्स्ट प्लेयर है दोस्तों यहाँ पर PLBO के लिए, 9 मैच में 237 रन 4 विकेट लिए हैं। उसके बाद सुलेमान अली यहाँ पर 14 मैच में 201 रन 9 विकेट है। आसन खान की बात करें, 1 रन 1 विकेट 19 रन कोई विकेट नहीं है दोस्तों इस सीजन में, 4 मैच में 17 रन 1 विकेट है। तो दोस्तों यहाँ पर किस प्लेयर को कन्फर्म करना चाहिए, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा आपको सुलेमान अली को ले लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये प्लेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सुलेमान अली को ले रहा हूँ दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर निक जोन्स विकबर्ग को यहाँ पर मैं कन्फर्म कर रहा था दोस्तों। यहाँ पर पूरे अभी तीन गेंदबाजों को पिक करना, तो यहाँ पर प्लोडिव के बॉलर्स को पिक करते हैं। तो पहला जो बॉलर है दोस्तों पार्थ आचार्य है, पार्थ आचार्य की बात करें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर 2 मैच खेले 0 विकेट 2 विकेट है, 10 मैच में 1 रन 9 विकेट है। मोहम्मद उजैर की बात करें, यहाँ पर 2 मैच में 1 विकेट लिए हैं, 48 मैच में 65 रन 39 विकेट है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर फैजान रहमान की, यहाँ पर 2 मैच में 1 ही विकेट लिए हैं और यहाँ पर 8 मैच में 7 विकेट और 4 रन है। और कार्तिक श्री कुमार की बात करें, 7 मैच में 7 विकेट और 2 विकेट या 1 विकेट, मतलब 2 मैच में 3 विकेट लें, अब इनको कन्फर्म कर सकते हो। राहुल सारदा की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 2 मैच में यहाँ पर कोई स्टैट्स नहीं है। तो यहाँ पर किस प्लेयर को कन्फर्म करना चाहिए, डाउट आपको आएगा दोस्तों यहाँ पर जरूर, लेकिन यहाँ पर मैं कार्तिक श्री कुमार को और यहाँ पर पार्थ आचार्य को कन्फर्म करूँगा। तो पार्थ आचार्य और कार्तिक श्री कुमार यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन रहने वाले हम लोग के लिए। तो यहाँ पर दो गेंदबाजों को पिक कर लें। तो दोस्तों अभी INB की बॉलर्स को चेक करते हैं, यहाँ पर कौन सा बॉलर इंपॉर्टेंट है, आपको ये स्टैट्स देख के पता चल जाएगा। तो दोस्तों पहला जो प्लेयर है यहाँ पर निकोले नानकोव है, 13 मैच में यहाँ पर 58 रन और 5 विकेट है। लोबेश शर्मा 3 मैच 0 विकेट है। अंकुश शर्मा की स्टार्ट्स नॉट अवेलेबल है। उसके बाद कलीमुट्टू मनमरियन की बात करें, 5 मैच में 3 विकेट है। गगनदीप सिंह की बात करें, 27 मैच में 185 रन और यहाँ पर 20 विकेट है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं गगनदीप सिंह को मैं यहाँ पर कन्फर्म करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा टीम बन गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। तो यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन पर यहाँ पर कन्फ्यूजन जरूर होगा दोस्तों यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर साइम हुसैन आपको 100% कैप्टन के लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाले हैं। और वाइस कैप्टन के लिए दोस्तों यहाँ पर कार्तिक श्री कुमार यहाँ पर आप कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पर निक जोन्स क्रिस वेबस्टर को आप यहाँ पर कंफर्म कीजिएगा। तो दोस्तों मेरा टीम बन गया, एक बार यहाँ पर स्क्रीन पे पूरे एक बार टीम को देख लीजिएगा दोस्तों अच्छे से, यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन सब कुछ तो आपको मैं बता दिया। तो दोस्तों एक बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो भी हम लोग टीम बनाए हैं, लाइव टीम बनाए, अगर इसमें एक भी प्लेयर मिस नहीं होता दोस्तों इस टीम को फाइनल कीजिएगा, अगर इसमें एक भी प्लेयर मिस होगा दोस्तों फाइनल टीम आपको मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम पे आपको फाइनल टीम मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों। थैंक यू।